वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरा चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में। आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। सो आइए शुरू करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ना। सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, यानी एक सेकेंड में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है या कितने किलोमीटर एक आवर में वो कंप्लीट करती है उसको बोलते हैं हम स्पीड ऑफ द बॉडी। और उसी स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन भी मेंशन कर दे तो उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, डिफरेंस बस इतना है कि वेलोसिटी के साथ हम डायरेक्शन को भी मेंशन करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यानी इसकी कोई वैल्यू होती है बट डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी और वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी होती है। स्पीड जो वो कभी भी जीरो नहीं होती और वेलोसिटी जो वो जीरो हो सकती है, जिसको हम आगे देखेंगे कि कैसे स्पीड मतलब कभी जीरो नहीं होती और वेलोसिटी जो जीरो हो सकती है। और एक डेफिनेशन ये भी है स्पीड की, स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी जब डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज होते हैं उसको बोलते हैं हम स्पीड। और वेलोसिटी इज अ ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड जो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अगर फार्मूला की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन, एंड वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन। सो आइए दोनों में थोड़ा डीपली देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम टेकन। अब यहाँ पे जो स्पीड है इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है वहाँ पे वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, यहाँ पे जैसे स्पीड है ब्रैकेट में मैंने लिखा है स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सो ये जो लिखा है 6 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। मतलब स्पीड की वेलोसिटी वो तो चलो बाद में कंसीडर करते हैं। और सेकेंडली जो नॉर्थ ईस्ट लिखा है ये लिखा है डायरेक्शन। सो अगर हम इसकी बात करें 6 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ ईस्ट की, तो ये क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्शन दे रखा है, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 5 मिलीसेकंड, तो ये कहाँ पे जाएगा, स्पीड के पास, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी है हमने, ठीक है। यानी जहाँ पे डायरेक्शन आएगी वो है वेलोसिटी और जहाँ पे डायरेक्शन नहीं आएगी वो है स्पीड, क्योंकि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे डायरेक्शन नहीं यूज करते हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही। सो 5 माइल पर सेकंड ये है मैग्नीट्यूड। एक लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 60 माइल पर आवर साउथ, ठीक है। तो इसमें देखो 60 माइल पर आवर क्या है, मैग्नीट्यूड, और साउथ जो है वो है डायरेक्शन। सो ये एग्जांपल है वेलोसिटी का, राइट। सो ये जाएगा वेलोसिटी की तरफ। चलिए अब इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं, अलग तरीके से। स्पीड इज ए स्केलर मेजरमेंट, राइट। अगर स्केलर मेजरमेंट है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इन ब्रैकेट में मैंने लिखा है हाउ फास्ट, यानी स्पीड से हम इतना पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट
या कोई गाड़ी रख लो, बस, कार, स्कूटर, कुछ भी, वो बताएगा कि कितनी स्पीड से वो चीज़ जो वो चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट जो है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, बट उसकी डायरेक्शन ही बताएगा, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर मेजरमेंट, और इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम। वेक्टर है तो इसका मतलब, एक तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी ये बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है विथ डायरेक्शन, यानी स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी शो करेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम। सपोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कोई कार जो है 10 किलोमीटर मूव करती है, फिर वो 4 किलोमीटर ऊपर जाती है, फिर 10 किलोमीटर इस साइड को डिस्टेंस कवर करती है और घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है, वहां पे लास्ट में फिर से 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 10 + 10 + 4 + 4, 28 किलोमीटर। माना इस सारी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे लगे, 4 आवर हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो कैसे लिखेंगे हम, 28 डिवाइडिंग बाय 4 आवर, यानी हमारा आंसर आया 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडिंग बाय टाइम। सो फिर से हम उसी एग्जांपल को लें, पहले हम 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर इस डायरेक्शन को 4 किलोमीटर, फिर दोबारा फिर से राइट टू लेफ्ट 10 किलोमीटर चलेंगे और फिर से हम उसी डायरेक्शन में आ जाते हैं 4 किलोमीटर। अब यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि हम जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे दोबारा पहुंच गए। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था तुम लोगों को कि डिस्टेंस होता है टोटल कितना पाथ आपने ट्रेवल किया है, और डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी इनिशियल पोजीशन से आप कितनी दूर हटे हो, कितनी दूर गए हो। अगर सपोज आप घूम फिर के फिर उसी जगह पे खड़े हो गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल टू इनिशियल एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जहां से आपने चलना शुरू किया वहीं पे पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि आपने कुल कितना डिस्प्लेसमेंट अचीव किया है, गेन किया, वो है 0 किलोमीटर। अब फिर से मान लेते हैं कि इसको कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे लगे, 4 घंटे। अब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितनी वेलोसिटी आएगी, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं वेलोसिटी के बारे में। सपोज मैं ऊपर से नीचे, ये डिस्टेंस है, ठीक है, 3 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं 2 घंटे में, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट 4 किलोमीटर ट्रेवल करता हूं 3 घंटे में, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से। सो ये है मेरा इनिशियल पॉइंट, और मेरी फाइनल पोजीशन क्या थी, फाइनल पॉइंट क्या था, ये जिसको मैं बोलूंगा फाइनल पॉइंट। अब डिस्टेंस होता तब तो मैं टोटल करके बोल देता कि 3 किलोमीटर + 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, बट वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमारी ये बनेगी। अब डिस्प्लेसमेंट काउंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 3² + 4² 3² = 9 + 4² = 16 16 + 9 होता है 25, और 25 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो उसका आंसर आएगा 5 किलोमीटर, यानी इस केस में हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है 5 किलोमीटर और आवर हमारे पास शो हो रहा है 2 घंटे + 3 घंटे, ठीक है, टोटल हुआ 5 आवर। सो हमारे वेलोसिटी कितनी हुई, 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो लास्ट में थोड़ा सा ये एक और देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर स्पीड एंड वेलोसिटी सिमिलर, यानी स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है, कैसे। इसका आंसर है
बिकॉज दे बोथ मेजर हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग. मतलब अगर हम सिर्फ ये कंसिडर करें कि कोई चीज, गाड़ी, कार, बस कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तब वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही क्वांटिटी होगी. ऐसा नहीं होगा कि अगर डायरेक्शन बता दिया था कोई कार जो अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अगर डायरेक्शन बता देंगे हम तब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है. मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर स्पीड एंड वेलोसिटी डिफरेंट. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डायरेक्शन. स्पीड में हम सिर्फ स्पीड कैलकुलेट करते हैं कि कोई चीज कितनी स्पीड से जा रही है, बट वेलोसिटी में क्या होगा, वो स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताएगी कि किस डायरेक्शन में कोई चीज जो है वो ट्रेवल कर रही है. सो वेलोसिटी इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड डज नॉट. फॉर एग्जाम्पल, कार इज मूविंग 5 माइल पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 माइल ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती है, तो ये है वेलोसिटी. अगर ईस्ट नहीं लिखा होता तो वो होती स्पीड. एंड लास्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी मोर लाइक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. अब जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के जैसे है या डिस्प्लेसमेंट के जैसे, और क्यों? इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट के जैसे, बिकॉज बोथ आर द वेक्टर विच इंक्लूड एन अमाउंट एंड डायरेक्शन. जैसे डिस्प्लेसमेंट में भी एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, उसी तरह वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ठीक है. सो वेलोसिटी जो है एक डिस्प्लेसमेंट की तरह है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी. अब एक एग्जांपल थोड़ा सा ये है स्पीड और वेलोसिटी की, अगर सिंपल डेफिनेशन. सो ये गाड़ी है, ये ट्रेवल कर रही है, ठीक है. अब यहाँ पे लिखा है दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 माइल पर सेकेंड विद नो डायरेक्शन, राइट. फर्स्ट एग्जाम्पल में कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो ये क्या है? स्पीड. यानी स्पीड इज सिंपली हाउ फास्ट यू आर ट्रेवलिंग, यानी कितनी स्पीड से आप जो वो ट्रेवल कर रहे हैं. जबकि वेलोसिटी क्या होता है? सेम स्पीड बट इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन. नीचे जो एग्जाम्पल है वहां पे लिखा है मैंने दिस कार इज ट्रेवलिंग एट द वेलोसिटी ऑफ 20 माइल पर सेकेंड ईस्ट, राइट. ऊपर सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था और नीचे डायरेक्शन भी. सो वेलोसिटी इज ए स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन. ओके, वेलोसिटी इज सम बिट लाइक स्पीड बट इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, सो दैट्स इनफ फॉर गाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा देखिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू, बाय.